ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज हुए स्मैकडाउन के शो के बारे में। और आज स्मैकडाउन के शो की अगर मैं बात करूं तो पूरा शो देखने के बाद ऐसा लगा कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हमको शो के ऊपर देखने को मिली। अगर आप बात करो कि आने वाले हफ्तों के अंदर हमको क्या कुछ स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी रॉयल रंबल से पहले, और हमको तो ऐसा लग रहा था कि भाई केविन ओवेंस और रोमन रेंस का जो बिजनेस है ना वो फिनिश हो चुका है, लेकिन आज जो हुआ शो के ऊपर वो तो ऐसा लग रहा है कि पहले जो भी कुछ अब तक हुआ है दोनों के बीच उससे भी बढ़कर हुआ, क्योंकि केविन ओवेंस ने जो हाथ पर मारने की कोशिश करी उसको पूरी तरीके से खत्म करके रख दिया रोमन रेंस ने। तो पूरे शो के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, कैसा स्मैकडाउन का शो था, अच्छा था, बुरा था, वो सारी बातें। और गाइस आप क्या करना है, हर बार की तरह इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहले गाइस हमको जो शो की स्टार्टिंग है वो देखने को मिलती है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के साथ। उनके साथ पॉल हेमन भी होते हैं, जे उसे भी आते हैं, और रिंग में आकर रोमन रेंस कहते हैं कि क्योंकि मैं फेस ऑफ द कंपनी हूं तो सबसे पहले तो मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहूंगा। और वो कहते हैं कि 2020 के अंदर मैंने जिस भी चीज को टच किया वो सोना बन गई। आप देख लो पॉल हेमन को, पॉल हेमन बंदा पता नहीं कहां पड़ा हुआ था, इसको मैंने रेलेवेंट बनाया। उसके बाद वो जे उसो की बात करते हैं कि भाई मैंने जे उसो को बनाया मेन इवेंट उसो, और उसके बाद वो जो अपनी तारीफें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यहां पर थीम सॉन्ग प्ले होता है केविन ओवेंस का। और केविन ओवेंस इससे पहले कुछ बोलते रोमन रेंस कहते हैं अरे भाई यार तू फिर से आ गया, मतलब अब तू और क्या करके मानेगा, मैंने तेरे को टीएलसी में हरा दिया, मैंने तेरे को स्टील केज मैच में हरा दिया, अब यहां पर तेरा कोई काम नहीं है, तू यहां से चले जा। केविन ओवेंस कहते हैं यहाँ पर कि ठीक है मैं तुमसे यहाँ पर बात करने नहीं आया हूँ, मैं बात करने आया हूँ जे उसो से, क्योंकि रोमन रेंस यहाँ पर कहते हैं कि तुम यहाँ पर आकर मुझे एम्बैरस कर रहे हो। तो केविन ओवेंस कहते हैं कि एम्बैरस तो तुमको होना ही चाहिए क्योंकि जे उसो की वजह से आज तुम यहाँ पर यूनिवर्सल चैंपियन खड़े हो। और उसके बाद उनका फोकस रोमन रेंस के ऊपर नहीं होता बल्कि उनका जो फोकस है वो होता है हमारे जे उसो के ऊपर, और वो कहते हैं कि भाई इस बंदे ने बहुत मेरे को दिक्कत पहुंचाई है, आज मैं इससे फाइट करना चाहूंगा। मतलब हमको शो की स्टार्टिंग में ही पता चल गया कि आज शो पर क्या ड्रामा मचने वाला है। और बाद में जाकर हम लोग देखते हैं कि बैक स्टेज केविन ओवेंस एडम पियर्स को मना भी लेते हैं और जो मैच है वो ऑफिशियल हो जाता है। और रोमन रेंस के बाद बिल्कुल भी एडम पियर्स की पसंद नहीं आती कि कैसे उन्होंने जो है केविन ओवेंस को वाला मैच दे दिया, लेकिन आज शो के मेन इवेंट के लिए मैच जो है सेट हो चुका था। तो हम पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई शुरुआत हो गई है रोमन रेंस के साथ, एंड में रोमन रेंस भले ही मैच के अंदर नहीं लेकिन तबाही यहां पर कुछ होगी, लेकिन खैर उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे क्योंकि वो चीज हमको देखने को मिली थी मेन इवेंट के अंदर। लेकिन इसके बाद गाइस हमको मैच देखने को मिलता है बिगी वर्सेस किंग कॉर्बिन का, और ये एक नॉन टाइटल मैच, और जैसे कि एक्सपेक्टेड था कि भाई बिगी को काफी स्ट्रॉन्ग दिखाया जाएगा। बिगी यहां पर बिग एंडिंग लगा भी देते हैं और ऐसा लगता है कि भाई अब तो ये जीतने ही वाले हैं, लेकिन तभी हमको क्या देखने को मिलता है कि सैमी ज़ेन यहां पर बीच में जो है चुल करने के लिए आ जाते हैं। उसके बाद हमको देखने को मिलते हैं किंग कॉर्बिन के चेले चपाटे भी, लेकिन सेव करने के लिए यहां पर आते हैं अपोलो क्रूज, और देखकर ये लग रहा है कि अपोलो क्रूज के जो दिन है ना विंस मैकमहन ने बदलने की कुछ सोच रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ तो अपोलो क्रूज के साथ होने वाला है, क्योंकि इसके बाद हमको टैग टीम मैच देखने को मिलता है जहां पर बिगी एंड अपोलो क्रूज जो है सेम टीम में होते हैं और उनके अगेंस्ट होते हैं किंग कॉर्बिन, इसके अलावा सैमी ज़ेन। और भाई मैच का जो रिजल्ट जिस तरीके से निकला ये देखकर मैं सरप्राइज हो गया। सबसे पहले तो सैमी ज़ेन एंड किंग कॉर्बिन को आपस में ही टीम में, वो क्योंकि एक साथ बहुत टाइम से काम कर नहीं रहे तो वो आपस में आर्ग्यू करने लग जाते हैं, और एंड में गाइस जो हमारे अपोलो क्रूज हैं बोलते बोलते भी मेरे को अजीब हो रहा है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जो है पिन किया है, उन्होंने पावर बॉम्ब लगाया और बिगी ने यहाँ पर पिन नहीं किया। तो ये चीज़ देखकर मैं थोड़ा सा सरप्राइज हुआ कि मतलब बिगी लास्ट वीक की चैंपियन बने, उनको पिन करने का मौका नहीं मिला, लेकिन अपोलो क्रूज को यहाँ पर जो है WWE स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रही है। तो ये कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, और बैक से जाकर हमको पता चलता है कि वो चीज़ किस वजह से थी। तो हम लोग कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी, लेकिन फिलहाल बिगी के ऊपर अगर थोड़ी सी और स्पॉटलाइट होती तो मेरे को ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि एज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन मैं उनको और भी ज़्यादा बड़ा देखना चाहता हूँ। अभी कह रहे तो शुरुआत ही, अभी आने वाले टाइम में हमको धीरे धीरे और अच्छी चीज़ें बिगी के साथ देखने को मिलेंगी। इसके बाद गाइस हमको देखने को मिलता है मतलब शो से एक बहुत ही डल चीज़ आती है, रायट स्क्वाड का मैच था अगेंस्ट समीना एंड नटालिया, एंड कुछ भी हो जा रहा है। मतलब WWE अगर किसी फ्यूड के अंदर स्टोरी लाइन नहीं डाल रही, मतलब फ्यूड तो क्या ही बोलूं, अगर किसी मैच में कोई स्टोरी टेलिंग नहीं है तो उसको देखने का क्या ही मजा है। यहाँ पर भी सीन ऐसा ही था और रिजल्ट मैं आपको सीधा बताया था, रायट स्क्वाड यहाँ पर जीत गए जब लिव मॉर्गन ने जो है पिनफॉल के जरिए अपनी टीम को विक्ट्री दिला दी। इसके बाद गाइस हमको देखने को मिलता है एक और टैग टीम मैच विमेंस डिवीजन से, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं कहूंगा कि कोई स्टोरी टेलिंग नहीं थी, क्योंकि इस वाली जो फ्यूड है आप कह सकते हो जो भी आज हमने शो के ऊपर देखा यहाँ पर काफी हमको मजेदार चीजें देखने को मिली। और जो मैच हमको देखने को मिलता है वो था साशा बैंक्स एंड बियांका ब्लेयर वर्सेस कार्मेला और उनके साथ ही बेली। काफी अच्छा हमको ये मैच देखने को मिलता है,
थोड़ा सा लंबा जरूर खींचा, लेकिन फिर भी ये काफी एक फन मैच था। और एंड में हम लोग क्या देखते हैं कि जब साशा बैंक्स ने बैंक स्टेटमेंट लगा दिया होता है कार्मेला के ऊपर, तो वो जो है नी हमारे कार्मेला का असिस्टेंट, वो आ जाता है, उसने कार्मेला को खींच लिया, जिसकी वजह से जो है कार्मेला शायद टैप आउट कर जाती। लेकिन साशा बैंक्स जो है फिर से परेशान होते हैं कि भाई ये बंदा फिर से आ गया है। और मुझे पता नहीं था यार वो बंदा इतना कमाल का है, मतलब वो क्या करतब दिखा रहा था। सबसे पहले तो जिस तरीके से रोल होते हुए, अगर आपने देखा रोल होते हुए वो बाहर गया रिंग से, उसके बाद उसने एक मून सॉल्ट भी लगाई। साशा बैंक्स कोशिशें कर रहे हैं कि वो उसको मारे, लेकिन वो जिस तरीके से करतब दिखा रहा है वो साशा बैंक्स के हाथ नहीं पड़ा। लेकिन एंड में साशा बैंक्स ने एक पंच उनको लगाया दिया और इस चीज का फायदा उठाया कार्मेला ने, उन्होंने लगाया मेला बस्टर और पिन हो गई स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन साशा बैंक्स। और कार्मेला ने यहां पर अपनी टीम को जिता दिया और एंड में जो है बेली के साथ वो सेलिब्रेट कर रही होती है। तो भले ही यहां पर एक अपॉर्चुनिटी मिली कार्मेला को, इससे पहले वो हार गई मैच को स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, लेकिन इससे मुझे देखकर अच्छा लगा कि पिछले कुछ टाइम में जब से कार्मेला वापस आई है उनका करेक्टर काफी WWE ने अच्छा बना दिया है। एक टाइम पर वो कैसी मतलब अजीब से बिना करेक्टर के साथ थी, कुछ भी उनके साथ होता था, लेकिन अभी के टाइम में मैं कह सकता हूँ कि कार्मेला ऐसी सुपरस्टार बन चुकी है जिनको हमको सीरियसली लेना चाहिए। और फिलहाल ये चीज थी आज शो से, और आगे मुझे लग रहा है कि कार्मेला के लिए एक और अपॉर्चुनिटी आने वाली है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। इसके बाद गाइस हमको देखने को मिलते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स, और वही अपने वो हंसते खेलते हुए आते हैं और वो बताते हैं कि न्यू ईयर को लेकर उनके क्या कुछ प्रिडिक्शन है। और ये बातें तो सिर्फ इसीलिए थी, मतलब पीछे जो है हमको पूरे ड्रम सेट के साथ देखने को मिलते हैं, एंजेलो डॉकिंस को पीछे बजा रहे होते हैं और आगे जो है हमारे मॉन्टेस फोर्ड अपना बात कर रहे होते हैं प्रिडिक्शन के बारे में। और उन्होंने यहाँ पर एक निशाना लगा दिया जिगलर के ऊपर, वो कहते हैं जिगलर को WWE में आए इतना टाइम हो गया लेकिन अभी भी वो जो है कॉपी करता है शॉन माइकल्स को, तो वो यहाँ पर हार्ट ब्रेक किड नहीं बल्कि हार्ट अटैक किड बुलाते हैं जिगलर को। और इतने में जो है पीछे से रॉबर्ट रूड आ गए, उन्होंने एंजेलो डॉकिंस के ऊपर अटैक किया, जिगलर भी यहाँ पर होते हैं और बुरी तरीके से यहाँ पर जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स है वो पेली जाती है। और इसके पीछे ऑब्वियसली यही रीजन था कि जिगलर और हमारे जो रॉबर्ट रूड है उनको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है टैग टीम चैंपियनशिप के मैच के लिए। अब मैं धीरे धीरे कह रहा हूँ कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स का मेरे को थोड़ा सा पता नहीं क्यों वो डिफरेंट नजर आ रहे हैं, पता नहीं नया साल आ गया तो कुछ डिफरेंट है या फिर आज भी मेरे को शो के ऊपर वो सही लगे। और देखते हैं फिर इनकी फ्यूड के अंदर क्या होता है, अगर अपॉर्चुनिटी जिगलर और रूड को भी इस तरीके से मिले, अगर वो चैंपियंस बन जाते हैं एक बार फिर से, तो मेरे ख्याल से इसमें मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। इसके बाद गाइस हमको एक और टैग टीम मैच देखने को मिलता है जो कि था डैनियल ब्रायन एंड ओटिस। जी हाँ, ये वाली टीम जो है फॉर्म की गई थी, चैड गेबल भी वहां पर थे। इसके अलावा उनके जो अगेंस्ट थे वो थे शिंसुके नाकामुरा एंड सेजारो। आप इस मैच को फन वाले तरीके से ले सकते हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पर कि बड़े ही गुस्से में कोई लड़ रहा है, ये फन मैच था और इस मैच को मैंने तो काफी एंजॉय किया। ये भी थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ लेकिन फिर भी मैच के अंदर काफी मजा आया। और स्टोरी जैसे कि आपको पता ही है, चैड गेबल जो है नेता बने रहते हैं ओटिस के। एंड में हमको सीन देखने को मिलता है कि डैनियल ब्रायन ने सबसे पहले तो रनिंग नहीं लगाई सेजारो के ऊपर, और उसके बाद उन्होंने अपना जो है यस लॉक लगाया शिंसुके नाकामुरा के ऊपर, नाकामुरा ने कर दिया टैप आउट और इस तरीके से जो है डैनियल ब्रायन जीत गए। और एंड में जो है तीनों मिलके यस 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 कर रहे होते हैं, वो काफी मेरे को सही चीज लगी। तो शो के ऊपर अगर सही सब एलिमेंट होता है ना, कि जैसे कि थोड़ी इंटेंसिटी भी है, थोड़ा अग्रेशन भी है, थोड़ा हमको मजा भी आ रहा है, फिर स्ट्रीट प्रॉफिट्स भी थे, तो आज मैं कह सकता हूं कि शो सही तरीके से बिल्ड किया गया था। पता नहीं मेरे को 2 घंटे आज ज्यादा थोड़े पसंद आ गए, लेकिन फिर यही मेरा जो ऑनेस्ट आज के स्मैकडाउन को लेकर वो ओपिनियन है। लेकिन बात करते हैं गाइस हम लोग शो के मेन इवेंट की, जिसका मैं वेट कर रहा था कि भाई मेन इवेंट कब आएगा। और हमको मैच देखने को मिलता है जे उसो वर्सेस केविन ओवेंस के बीच में। और हर बार की तरह केविन ओवेंस इन रिंग आपको पता है कितने अच्छे परफॉर्मर हैं, जे उसो भी काफी अच्छे हैं, तो उन्होंने यहां पर काफी अच्छा मैच डिलीवर किया। लेकिन मैं कह सकता हूं मैच थोड़ा सा शॉर्ट था, 10 मिनट के आसपास से मैच चला होगा और स्मैकडाउन को अभी खत्म होने में 9 मिनट के आसपास से केविन ओवेंस ने स्टनर लगाया और उन्होंने पिन कर दिया जे उसो को। और मैं कह रहा हूं भाई अभी तो स्मैकडाउन के लिए इतने सारे टाइम बाकी है, तो ये अभी से मैच कैसे खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद केविन ओवेंस ने अपना असली जलवा दिखाया, वो जे उसो को मैच में हराने के बाद मारते हैं। मतलब उनका मोटिव जे उसो को हराना नहीं था बल्कि उनको बीटिंग देना था, और उन्होंने एक तरीके से बताया कि भाई जो तूने मेरे साथ किया ना, जो चटनी तूने मुझे चखाई आज मैं भी वही तेरे को चखाता हूं। उन्होंने हैंडकफ करके सबसे पहले तो बांधा जे उसो को और उसके बाद उनके ऊपर बुरी तरीके से अटैक किया, और उसके बाद वो करते हैं रोमन रेंज को कॉल आउट। रोमन रेंज को कॉल आउट किया, रोमन रेंज बाहर नहीं आते, केविन ओवेंस कहते हैं अच्छा तू नहीं आएगा मैं खुद तेरे पास आता हूं, और वो जे उसो को भी रगड़ते हुए लेकर जाते हैं। पता नहीं वो किस एरिया में पहुंच गए जहां पर थंडरडोम की हमको LED स्क्रीन देखने को मिलती है, वहां तक वो ले गए और वो ऊपर चढ़ते हैं जैसे कि वो जंप करने वाले हैं जे उसो के ऊपर। लेकिन तभी आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं कहां से रोमन रेंस आ गए, उन्होंने कर दिया केविन ओवेंस के ऊपर अटैक। केविन ओवेंस ने यहां पर फाइट बैक करने की कोशिश बहुत ज्यादा करी, लेकिन क्योंकि आपको पता है साथ में जे उसो भी थे और रोमन रेंस, दोनों ने मिलकर जो है केविन ओवेंस के ऊपर अटैक किया। बीच बीच में केविन ओवेंस ने कोशिशें तो काफी ज्यादा करी, लेकिन भाई जब आपको स्टील चेयर से शॉट्स पड़ेंगे तो उसके बाद आपको कुछ नहीं होने वाला। और बुरी तरीके से एक बार फिर से यहां पर रोमन रेंस एंड जे उसो ने मिलकर डिस्ट्रॉय कर दिया केविन ओवेंस को। लेकिन अभी एक बड़ा मोमेंट जो है यहां से आना था, और हमको क्या देखने को मिलता है कि उस ऊंचाई वाली जगह से सीधा रोमन रेंस ने केविन ओवेंस को नीचे फेंका और वो थ्रू द टेबल पड़ते, और इस तरीके से
स्मैकडाउन चली जाती है ऑफ एयर, तो ये काफी मेरे को खतरनाक सा सीन लगा। और केविन ओवेंस जिस तरीके से गिरे थे एक बार को तो मैं डर गया कि कहीं उनको कुछ चोट तो नहीं लगी है, लेकिन आई होप कि केविन ओवेंस जो है पूरी तरीके से ठीक होंगे। और रोमन रेंस और केविन ओवेंस की जो कहानी है जहां लग रहा था कि शायद एक खत्म हो रही है, लेकिन ये तो भाई एक नया ही मोड़ ले चुकी है स्मैकडाउन के शो पर। और बहुत ही खतरनाक तरीके से आज भी दिखाया गया कि कैसे केविन ओवेंस कितने अच्छे फेस नजर आ रहे हैं, लेकिन रोमन रेंस सारी तरकीबें लगाएंगे कि कैसे भी करके वो केविन ओवेंस को डिस्ट्रॉय। तो मैं आगे एक्साइटेड हूं देखने के लिए इनके बीच क्या चलता है, क्या रॉयल रंबल में फिर से मैच होगा, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली देखने के लिए। लेकिन ओवरऑल स्मैकडाउन के शो की बात करूं तो कुछ चीजें आज मेरे को शो से बेकार लगी, लेकिन ओवरऑल 2 घंटे का शो आप लोग कह सकते हो कि एंजॉय करने वाला था। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि 5 स्टार में से शो को आप लोग कितने स्टार्स दोगे। ये वाली वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक किए बिना कहीं मत जाना, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, क्योंकि चैनल के ऊपर आपको प्रो रेसलिंग से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।